अवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसे पॉपुलरली डीमार्ट के नाम से जाना जाता है, उसने हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को मालामाल बना के रखा था, बट पिछले 15 महीने से उसने बैंड बजा के रखी है और कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 15 महीने में कि एक डीमार्ट जैसी अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस गिरता जा रहा है, आइए आज वो समझते हैं इस वीडियो में। हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सीएस उमेश गुलेरिया एंड टुडे वी विल बी कवरिंग फॉल इन द प्राइस ऑफ डीमार्ट। Walmart has always been the darling of the market thanks to its strong business model and backing of its promoter and legendary investor Mr. Radhakrishnan Damani ji. DMart is the only listed and most profitable supermarket chain in India. March 2017 mein listing ke baad se October 2021 tak DMart ke share price mein 1700% ka increase aaya tha. That is, investors ko isne 1700% kama ke diye. बट उसके बाद वो फॉल शुरू हो गया और स्टॉक प्राइस 5600 रुपीज से गिर के अब 3500 की रेंज पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ प्राइस वाज जस्ट 300 रुपीज, सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न्स इट गिव टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम 300 लेवल्स टू 5600 ऑड लेवल्स। बट जैसे ही इसने 5600 का लेवल अचीव किया अक्टूबर 2021 में, वहीं से वो फॉल आना शुरू हो गया और 5600 से गिरता हुआ स्टॉक प्राइस आज 3500 की रेंज में आ चुका है। इस फॉल के पीछे का सबसे बड़ा रीजन बना कंपनी की हाई वैल्यूएशन। इसके अच्छे बिजनेस मॉडल होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने हमेशा ही डीमार्ट को अच्छा प्रीमियम दिया है, दैट इज इसकी पी काफी हाई लेवल्स पे रही है हिस्टोरिकली। कोविड के पहले भी अराउंड 130 के आसपास इसकी पीई होती थी। प्री कोविड स्टॉक अराउंड 2400 पे ट्रेड करता था, जो कि एक साल बाद अराउंड 3300 टच कर गया। ये कुछ 32% का जंप था। इस दौरान क्वार्टरली रेवेन्यूज में मैक्स 10-15% का ग्रोथ देखा गया था, प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में भी। बट असली जंप जो स्टॉक प्राइस में आया वो आया जुलाई 2021 के बाद। सो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स स्टॉक प्राइस 3300 के लेवल से 5600 चला गया। बट अगर हम उस टाइम के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं था। तो ये जो रैली आई थी इसके पीछे कोई ज़्यादा सॉलिड या फंडामेंटल रीजन नहीं था, हेंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया। Q2 के रिजल्ट्स आए एंड ब्रोकरेज हाउसेज ने जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पे 5 में से 3 ने सेल कॉल दे दी। हमने एग्जाम्पल के लिए ये 5 ब्रोकरेज हाउसेज सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से 3 ने इस डीमार्ट पे सेल कॉल दे दी थी। और उससे पिछले क्वार्टर में जब स्टॉक प्राइस 3300 था, उस टाइम पे हार्डली एक इनमें से 5 में से बस 1 ने सेल कॉल दी थी। इट मींस कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का या रिसर्च हाउसेज का स्टॉक के टुवर्ड्स एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया था और उन सब रिपोर्ट्स में रीजन दिया गया हाई वैल्यूएशन को। हाई वैल्यूएशन के साथ साथ कुछ नेगेटिव रिमार्क्स भी रिपोर्ट्स में मेंशन किए गए, जैसे कि हाई मार्जिन नॉन एफएमसीजी सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम होना। प्री कोविड ये सेगमेंट 28% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, बट कोविड के दौरान से ये बस 24-25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब इस सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए मार्केट ने इसे भी एक मेजर रीज़न माना कंपनी के फॉल के लिए। सो ओवरऑल ये 2 रीज़न, नंबर 1 हाई वैल्यूएशन और नंबर 2 नॉन एफएमसीजी हाई मार्जिन बिजनेस का कम होना डीमार्ट के नेगेटिव सेंटीमेंट का मेन रीजन था। देयरफॉर स्टॉक प्राइस को ऊपर उठने के लिए इन दोनों रीजंस को डिफाई करना था, दैट इज वैल्यूएशंस में कमी आना और दूसरा नॉन एफएमसीजी सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ना। नॉन एफएमसीजी सेगमेंट में जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल सेगमेंट आता है और इसे मोर ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में काउंट किया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में ये भी पॉइंट आउट किया कि जो कस्टमर है वो डेफर कर रहा है अपना ये नॉन एफएमसीजी सेगमेंट की बाइंग को, हेंस कंट्रीब्यूशन में कमी देखी गई। अब ये क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस है इसलिए ओवरऑल मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें, सो प्री कोविड बिकॉज इस सेगमेंट का हाई रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो प्री कोविड ग्रॉस मार्जिन 16% होते थे कंपनी के, बट कोविड के बाद ये नंबर हार्डली 15% अभी तक टच कर पाया है। इनफैक्ट Q3 में भी यही स्टोरी है।
जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बरकरार रहा है. इट इज अ क्लियर कट साइन ऑफ कि मार्केट में एक्चुअली इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन उसके बाद कोविड की थर्ड वेव और रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और इससे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा. डीमार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला. इनफैक्ट एक रिसेंट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज किया कि कस्टमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर रहा है, जिससे कंपनी का हाई मार्जिन बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है. देयरफोर अगर हम देखें कि अगर डीमार्ट के शेयर प्राइस को यहाँ से दोबारा ऊपर उठना है तो उसे दो चीज़ें करनी होगी. एक, अपने ग्रॉस मार्जिन्स को प्री कोविड 16% लेवल पर लेकर जाना, और दूसरा हाई मार्जिन बिजनेस को दोबारा 28% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेकर जाना. अगर हम अभी रिसेंट Q3 FY23 के रिजल्ट्स को देखें तो उसमें से अराउंड 20 एनालिस्ट जो पब्लिकली शेयर को ट्रैक करते हैं उनमें से 8 ने इस पे सेल कॉल दी है, जबकि 8 न्यूट्रल हैं और बस 4 ब्रोकर्स ने इस पे बाई कॉल दी है. हेंस इट शोज कि अभी भी डीमार्ट के रिगार्डिंग मार्केट का ओपिनियन या सेंटीमेंट नेगेटिव है. सो वी हैव टोल्ड यू द रीजंस कि डीमार्ट का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा था. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार मुझे क्या करना है, मैं तो डीमार्ट के शेयर खरीद के बैठा हूँ, मुझे इसे होल्ड करते रहना है या मुझे इसे बेच के निकल जाना चाहिए. सो हमारे पर्सनल ओपिनियन में अभी मार्केट में डीमार्ट के अराउंड नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसे तो बिल्कुल डीमार्ट को अवॉइड करना चाहिए. रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखिए डीमार्ट एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है. तो आपको अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बस आपको दो चीज़ें इसकी ट्रैक करनी पड़ेगी. वन, कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट खत्म हुआ या नहीं, वो आपको एंश्योर करेगा कि आपके ग्रॉस मार्जिन्स दोबारा 16% लेवल पे पहुंच जाने चाहिए, और नॉन एफएमसीजी सेगमेंट जिसे हाई मार्जिन जनरेट होता है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दोबारा 28% या उससे ज़्यादा हो रहा है. अगर ये दोनों फैक्टर अचीव हो गए तो वी आर क्वाइट श्योर कि डीमार्ट की अपसाइड मूवमेंट शुरू हो जाएगी. एंड ऑल्सो अगर हम स्टॉक को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी विल फाइंड फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव डीमार्ट अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स पे है, दैट इज समवेयर अराउंड 3200 to 3500. तो यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है मार्केट की तरफ से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं. बट अगेन दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन. हम ये चाहेंगे कि हमने जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताई आप भी उसके इन एंड अराउंड रिसर्च करें एंड सी कि आपको क्या लगता है कि आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए. वी होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो चेक आवर स्मॉल केस. वी आर अवेलेबल ओवर देयर. थैंक यू.